विदेश में 21 अक्टूबर को पुलिस शहीद दिवस मनाया जाता है। इस मौके पर पठानकोट में युवाओं और पुलिस अधिकारियों की तरफ से कैंडल मार्च निकाला गया, जिसमें युवाओं और पुलिस अधिकारियों ने शहीदों की याद में पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इस बीच थाना प्रभारी देवेंद्र प्रकाश ने कहा कि पंजाब पुलिस का हमेशा यही उद्देश्य रहा है कि जिन परिवार वालों के सपूत देश के लिए जान कुर्बान कर गए हैं, वे उन परिवार वालों के साथ हमेशा खड़े हैं। सारे को पता भी अभी 21 अक्टूबर में हर साल की तरह जिदा भी अपने उग्रवाद के टाइम जो पुलिस महकमे ने अपने जवान शहीद किए उन्होंने अज के दिन आप थोड़ी जी अपने वालों तुछ जी एक श्रद्धांजलि दे दी जा रही है साढ़े वालों। तो मैं सारी यूथ में यही गल कहना चाहना भी आप जो सारे बंदे जी सारी यूथ आ भी नशे त्याग के तो आप भी इन्होंने वाल वेखिए इन्हों तो इंस्पायर हो के इन वाल वेखते हुए भी आप भी इन्हों के राह तुरीए कि मेरा तो यही कहना जी आप भी पंजाब पुलिस वाग अपने देश तो जान वारी अपनी ना कि नशे के पैक दे अपनी जान मारी। अक्टूबर जिहड़ा हर साल की तरह पुलिस शहीदी दिवस के रूप में मनाया जाता है, इस साल भी 21 अक्टूबर जो कि परसों है वो पुलिस कमैमोरेशन डे मतलब पुलिस शहीदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। हर साल जिन्हें भी तो इस तो पहला भी जो पंजाब पुलिस ज बाकी स्टेट दुलिस सेंट्रल पुलिस जिन्हें भी है वो जदों तो लैके उन्होंने ओपरेट करना स्टार्ट किया है, उन्होंने बहुत बढ़ चढ़ के देश की सुरक्षा में अपना हिस्सा पाया, सोसाइटी की सुरक्षा में बहुत हिस्सा पाया। इस दौरान जिन्होंने भी अपनी जवाना वारिया ने इस देश तो उन्होंने हर साल श्रद्धांजलि भेंट की जाती है। इस साल भी उस प्रोग्राम के तहत ही अज जो कैंडल मार्च किया गया।